टीवी शो लॉकअप के कारण इन दिनों सुर्खियों में छाई निशा रावल ने हाल ही में खुलासा किया था कि साल 2014 में उनका मिसकैरेज हो गया था, जिसके बाद से उनके और करण मेहरा के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी। लेकिन इसके अलावा भी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अपनी जिंदगी में मिसकैरेज झेल चुकी हैं। इस लिस्ट में कई बड़े बड़े स्टार्स के नाम शामिल हैं। आइए आपको भी बताते हैं उन स्टार्स के बारे में। निशा रावल। एक्ट्रेस निशा रावल ने लॉकअप में बताया कि साल 2014 में उनका मिसकैरेज हो गया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। करण मेहरा ने भी उनसे मारपीट की थी। हालांकि साल 2017 में ऊपर वाले ने उनकी गोद भर दी और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। डिम्पी गांगुली। राहुल महाजन की एक्स वाइफ डिम्पी गांगुली भी गर्भपात के बुरे दौर से गुजर चुकी है। राहुल महाजन संग शादी के बाद डिम्पी गांगुली प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उनका गर्भपात हो गया। रश्मि देसाई। टीवी के मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई और नंदिश संधु साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों एक साथ नचबली में भी नजर आए, जहां एक एपिसोड में कपल ने इस बात का खुलासा किया था कि शादी के कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन झलक दिखलाने के दौरान उनका गर्भपात हो गया। हालांकि इसके बाद भी रश्मि देसाई ने शो में कदम पीछे नहीं खींचा था। अंकिता भार्गव। करण पटेल की पत्नी और एक्ट्रेस अंकिता भार्गव साल 2018 में माता पिता बनने वाले थे। अंकिता और करण ने इस खुशी को एक अवार्ड शो में भी जाहिर किया था, लेकिन अगले ही दिन एक एक्सीडेंट के दौरान एक्ट्रेस ने अपना बच्चा खो दिया। इस खबर की पुष्टि खुद अंकिता के पिता ने की थी। कश्मीरा शाह। कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक इस वक्त जुड़वा बच्चों के माता पिता है, लेकिन एक्ट्रेस की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें मां बनने से परेशानी हो रही थी। इतना ही नहीं, उनकी प्रेगनेंसी 14 बार असफल रही थी। ऐसे में कपल ने IVF के जरिए माता पिता बनने का फैसला किया और आज इस कपल के पास दो जुड़वा बच्चे हैं और ये सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अपने अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हैं।